सब ये दुनिया मेरे कदमों में थी पर अब कोई वादा नहीं। एक मशहूर डायरेक्टर अनिकेत मेहरा की लाइफ का स्टोरी का दी एंड। अरे अरे तू कब उठा? तू कैसे उठा? सब ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? चल सो जा जल्दी। अरे अरे खेलने की चीज नहीं है। अरे खेलने की चीज नहीं है। अरे क्या कर? गन नहीं 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 देख लाओ इधर दे दो। भैया को दे दो गन। गन से नहीं खेला। लाओ लाओ भैया को दे दो। नहीं नहीं खेलने की चीज नहीं। नो नो चलो मैं तुम्हें सुला कराता हूँ। चलो चलो सो जाओ मेरे बेटा सो जा। चलो चलो सो जा। अरे अरे भैया का फोन है, दे दो भैया को। हेलो अनिकेत मेहरा। अरे डायरेक्टर अनिकेत मेहरा बोल रहा है क्या? हेलो अरे एड़े अनिकेत मेहरा को फोन देना। हेलो अनिकेत मेहरा कौन बोल रहा है? कान खोल कर सुन ले, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये फिल्म बंद कर दे। देख मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं किसी बाबू भाई के कहने पर फिल्म बंद करने वाला नहीं हूँ। सुना तू? अरे तेरा दिमाग सटक गया क्या? बाबू भाई को ना सुनने की आदत नहीं है और मुझे भी हाँ कहने की आदत नहीं है। सुना? मुझे हाँ कहने की आदत नहीं है। उन्हीं लोगों का फोन था सर। अरे गगन तुम इस तरह से दबे पांव आते हो मेरी जान निकाल दोगे कभी किसी दिन। सर आप बहुत दिनों से एजी और परेशान लग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये अंडरवर्ल्ड की धमकियों की बात। अंकुश के सामने इस तरह की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अंकुश चलो सोने चलो। जाओ इसको लेकर जाओ सुला दो। चलो उठो। जी सर। चलो बेटा चलो जाओ। सर मैं तो कहता हूँ कि आप भी सो जाइए, कल नई फिल्म की शूटिंग है। सर ये गन? ये गन ऐसे ही सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। अरे नहीं अंकुश चलो अभी रात काफी हो गई। अंकुश चलो जाओ। से गुड नाइट। गुड नाइट भैया। गुड नाइट गगी अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी। चलो चलो चलो। जी जरना मैम। देखिए मैम अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अनिकेत सर का डिसीजन फाइनल है और कल से तो शूटिंग भी शुरू है। मैम देखिए मैम आप मुझसे ऐसा रूडली क्यों बात कर रही? आपको जो भी बात करनी है अनिकेत। हेलो ये एक्टर्स भी ना। धर्मपाल ओ धर्मपाल गेट खोल और सुन। हाँ साहब। अनिकेत सर और उनके छोटे भाई घर में अकेले हैं, किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है साहब। मेरे भाई इस दुनिया में बस तू ही मेरा अपना। अगर आज तू नहीं होता तो शायद मैं अपनी जान। भैया लगता है कोई घर में घुसा है। चल मेरे भाई चल यहाँ से। अरे चल अभी चल।
चल, ये लोग मरवाएंगे मुझे। चल चल, कुछ नहीं होगा। हम हाइडिंग से खेलते थे ना, रिहर्सल की थी हमने, सीक्रेट रूम, पैनिक रूम, कमरा, हाँ वहीं चलेंगे। हाँ हमें मार डालेंगे बेटा। अच्छा बेटा, आजा मेरे भाई, अंदर आजा, आजा प्लीज आजा। चल 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 चल, अच्छा अच्छा, ये दे, अरे बेटा दे, ये चाहिए ना बेटा, आजा ना, आजा ले, आजा आजा मेरे भाई, आजा आजा ये बेटा, आजा। अब हमें कुछ नहीं हो सकता, हम लोग सेफ हैं। चल आजा, यहाँ बैठ जा। मेरा फोन, अरे फोन वो तो वहीं रह गया। शिट, जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक हमें यहीं रहना होगा। पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हाइडेंट से खेल है ये, हम रिहर्सल कर रहे थे ना, वही खेल है। हाँ और जीतेगा अंकुश, जीतेगा मेरा भाई, जीतेगा। धर्मपाल, गेट खोलना, जल्दी कर। अनिकेत सर, धर्मपाल सर, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? पता नहीं सर। अनिकेत सर, धर्मपाल ये कांच कैसे टूटा? पता नहीं सर, कल रात को सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हुआ था क्या? अनिकेत सर, अनिकेत सर, अनिकेत सर, Hands up, अनिकेत सर, Hands up. क्या रूम है ये? सर ये एक सुरक्षा कक्ष है। सुरक्षा कक्ष जी, जिसे हाई सोसाइटी में पैनिक रूम बोलते हैं। पैनिक रूम जी सर। अनिकेत सर ने एक अमेरिकन एजेंसी को हायर किया था ये कमरा बनवाने के लिए। हाँ। और इस कमरे में एंटर करने के लिए सिक्योरिटी कोड की जरूरत पड़ती है सर। ये कमरा ना सिर्फ ब्रेक प्रूफ बल्कि बुलेट प्रूफ भी है, एक बंद किले की तरह। जरूरत क्या थी इसकी? अनिकेत एक मशहूर गैंगस्टर बाबू भाई पर फिल्म बनाने वाले थे, जिसकी लीड हीरोइन मैं थी, लेकिन बाबू भाई और उनके आदमी कई दिनों से अनिकेत को धमकी दे रहे थे कि वो उन्हें उनके घर आके मार देंगे, और उसी के डर से अनिकेत ने ये
पैनिक रूम बनवाया था। चारों तरफ से सील बंद, एक सोफा। एक फ्रिज। सर हो सकता है कि वही लोग कल रात यहाँ पे आए और जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो गया हो और घबराहट में अनिकेत सर अपने छोटे भाई को लेकर यहाँ आ गए। किसे पता था सर कि खेल ही खेल में अंकुश अपने भाई की जान ले लेगा। कहाँ है अंकुश? अपने रूम में। अंकुश, लव भैया। अंकुश, लव भैया। नहीं, चलो बेटा आओ, टॉयज देने लगा आपको। टॉयज नहीं, चलो भैया। नहीं, अंकुश देखो, सुनो अंकुश, तुम ना इन लोगों के कमाल है। आज से पहले तो अंकुश ने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया कभी। कल रात को खून हो गया और इसी जुर्म में पुलिस ने अंकुश मेहरा को गिरफ्तार कर लिया है जो कि मानसिक रूप से अविकसित हैं। बिली, दरवाजे पे कोई है? बिली, come in. मिस्टर केडी पाठक। कहिए। तो मैं सुनैना माथुर हूँ। यकीन नहीं आता कि मैं आपसे इन पर्सन इस तरह आमने सामने। सर, मैंने लॉ ज्वाइन किया आपके लिए, आई मीन आपको देखकर। सर, मैंने आपके हर केस को फॉलो किया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलकर। से मिलकर क्या? देखिए हमीद साहब, सुने ना, इस समय मुझे किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है। नो नो सर, मेरी इतनी मजाल कि मैं आप जैसे बड़े लॉयर को असिस्ट करूं। Although I would love to, sir. क्योंकि सर, आप लॉ के इंस्टीट्यूशन से भी बड़े इंस्टीट्यूट है। यू आर द बेस्ट सर। आई एम सॉरी, एक्चुअली सर मैं आपके पास एक केस लेकर आई हूँ। कैसा केस, बताइए। सर, मैं एक स्पेशल स्कूल में पढ़ाती हूँ डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो अभी आपने कहा कि आप वकील हैं? हाँ सर, मैं फ्री टाइम में लॉयर हूँ। नहीं नहीं, आई मीन फ्री टाइम में मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। और सर, मेरा एक स्टूडेंट है अंकुश मेहरा, डायरेक्टर अनिकेत मेहरा का छोटा भाई। आज सवेरे समाचार पत्र में पढ़ा था मैंने, बड़े भाई की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। सर, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता है, वो दिमाग से एक 2 साल का बच्चा है। सर, अनिकेत सिर्फ उसका भाई ही नहीं, उसकी माँ, उसका बाप, उसका सब कुछ था। वो अपने आप को अनाथ क्यों करेगा? सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार उससे मिल लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। कुछ तुम्हारे लिए कुछ लाया था मैं, ये लो। ले लो अंकुश, ये केडी अंकल है। अंकुश, ये आपकी मदद के लिए आए हैं। भैया के पास। हाँ जाएंगे, पहले आप चॉकलेट तो ले लो, देखो
ले लो, चॉकलेट ले लो। थैंक यू बोलो। थैंक यू। अब हेलो तो करो, हाथ आगे ला। वेरी गुड, फर्म ग्रिप, अच्छी पकड़ है। अंकुश, उस रात को भैया के साथ थे तुम उस कमरे में घर के अंदर? भैया, भैया सर, एक्चुअली इसे फोन पर बात करना बहुत पसंद है। मैं लड़ूंगा इसका केस, ये निर्दोष है, अनिकेत की हत्या से नहीं की। श्रमण बॉस, आपने बुलाया फोन को? बोलो बॉस, क्या करने का? आप अपुन को बस हुकुम करो बॉस, आपने अपना टैलेंट तो देख लिया है। तुम्हें आज रात 3 बजे अंकित मेहरा के बंगले जाना है एक गाड़ी में। नाइट मिशन करेगा ना बॉस, एकदम रात को 3 बजे अनिकेत मेहरा के घर पे। ना, साथ में वीडियो कैमरा लेकर जाना। आप बात कर रहे बॉस, वीडियो कैमरा मतलब स्टिंग ऑपरेशन? अरे खुदा बॉस, सॉलिड अपुन करेगा ना। वहां जाकर गेट पर 3 बार हॉर्न बजाना। बजाएगा ना बॉस, गिन के ना 2 ना 4, एकदम 3, पे 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 आगे बॉस। फिर गाड़ी रिवर्स करके करेगा बॉस, फिर बॉस बस घर चले जाना। हाँ, पे 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 रिवर्स घर बस। बॉस करेगा ना बॉस? क्यों, कठिन लग रहा है? नहीं 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 बॉस, कठिन थोड़ी है। नहीं, उनको लगा शायद नाइट ऑपरेशन रहेगा तो थोड़ा कुछ सॉलिड एकदम रहेगा, एकदम नहीं, ये सॉलिड है बॉस, सॉलिड है, अपुन करेगा। लेकिन बॉस ने बोला तो अपुन करेगा ना बॉस। जा कर। केडी बॉस का भी ना, अपुन को बोल रहे थे नाइट मिशन, अपुन को लगा कुछ डेरिंग वेरिंग होएगा। ये क्या डेरिंग है, लो सो रिलैक्स। अपुन को क्या है, अपुन को अपना काम से मतलब है। चल सामान लग जा। बराबर 3 बजे अपुन को हॉर्न बजाने का है। पैं पैं पैं। अरे अरे पाठक साहब, आदाब। सुहेल रिजवी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर साहब, कहिए। अरे आपकी दुआ है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। बोलिए ना। देखिए, ये जो आपका क्लाइंट है अंकुश मेहरा, आप ऐसा कतई ना समझें कि मैं उस केस में आपकी मुखालफत कर रहा हूँ। क्यों ना सोचो ऐसा? ये मेरा मकसद अंकुश को फांसी या उम्र कैद कराना नहीं है। अच्छा। मुझे मालूम है कि वो दिमागी तौर से थोड़ा सा का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से उसने अपने भाई की हत्या कर दी, ये मालूम है मुझे। तो मैं इसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करूंगा, छोटी सी दरखास्त दूंगा कि आपके क्लाइंट ने बिना लालच या बिना किसी वजह के अपने भाई को मार दिया अपने दिमागी हालत की वजह से, और उसे एक ऐसे हॉस्पिटल में भेजा जाए जहां पर उसका इलाज हो जाए। जेल नहीं भिजवाएंगे आप उसे, अस्पताल भिजवाएंगे। उसे जरूरत है। कष्ट ये है कि रिजवी साहब, जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता कि अंकुश ने अपने भाई अंकित को मारा है, तब तक तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इस समय जहां मैं खड़ा हूं यहां से, तो मैं आपको ना उसे अस्पताल ले जाने दूंगा और ना जेल ले जाने दूंगा। मैं उसे ले जाऊंगा उसके अपने घर। क्या कहते हैं? जज साहब पधार रहे हैं। साहब आ गए। कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब, जनाब ये है अनिकेत मेहरा के घर में बना हुआ पैनिक रूम, यानी हिफाजत खाने का मॉडल। इसकी चारों दीवारें 2-2 फिट मोटी हैं, यानी एंटी ब्लास्ट मटेरियल से बनी हुई। इसका इकलौता दरवाजा 1 फिट मोटे लोहे का बना हुआ है, जिसमें एंट्री के लिए एक कोडिंग सिस्टम लगता है,
और फिर वापस दरवाजा बंद करने के लिए भी वही कोडिंग लगती है। यानी एक बार जो इसके अंदर गया, ये उसके लिए एक ऐसी कब्र बन जाती है जिसमें ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। जनाब 11 अगस्त को हमले के डर से अनिकेत अपने भाई अंकुश को लेकर इस कमरे में बंद हो गया इस गन के साथ, और फिर सुबह तक इस कमरे को किसी ने नहीं खोला, ना तो इन दोनों ने और ना ही किसी और। जनाब ये जो लॉकिंग सिस्टम है, इसके डोर में एक मेमोरी बैंक है, यानी कि ये दरवाजा कब खुला कब बंद हुआ उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग का पता चल जाता है, एग्जैक्ट सेकंड तक का भी। ये है उसकी रिपोर्ट। जनाब इसका दरवाजा अनिकेत ने खोला रात को 3:20:09 पर, और फिर ठीक इसके 1:02 बाद यानी 3:21:11 पर इसको बंद किया, और उसके बाद ये दरवाजा पूरी रात बंद रहा। और फिर सुबह, जनाब सुबह इस दरवाजे को खोला मिस्टर मेहरा के मैनेजर गगन कालरा ने 6:45:24 और उसके बीच यानी पूरी रात अनिकेत और अंकुश इस महफूज खाने में महफूज रहे, लेकिन साथ में थी एक गन। लेकिन पता नहीं कैसे अनजाने में अंकुश के हाथ ये गन लग गई, और उसके बाद मासूमियत में खेल खेल में पर जान ली जरूर। रजी साहब क्या बात है, वाह, माजरत चाहता हूँ, बहुत ही मोहसब तरीके से आपने अपनी दलील पेश की। लखनऊ के लगते जी, आपने कैसे पहचाना? बस योर ऑनर, मैं अदालत से ये कहना चाहता हूँ। क्या केडी साहब, अब आप क्या कहना चाहते हैं? जनाब ये कहेंगे कि अनिकेत ने खुदकशी की? रिजवी साहब संभावना तो है, वो इसलिए क्योंकि अनिकेत के डॉक्टर ने, डॉक्टर पूनावाला ने जो एक मनोचिकित्सक है, उन्होंने ये कहा है कि अनिकेत की मानसिकता में आत्महत्या की भावनाएं थी। ये देखिए उनका कथन स्पष्ट रूप से लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ आपके लिए। ड्यू टू सुसाइडल टेंडेंसीज इन अनिकेत आई एम प्रिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग मेडिसिन। योर ऑनर ये रही रिपोर्ट और ये दवाइयाँ जो डॉक्टर पूनावाला ने अनिकेत को प्रिस्क्राइब की थी। अब संभव है कि उन्होंने आत्महत्या की हो, क्योंकि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? वो लोग मुझे मार डालेंगे, उससे पहले मैं खुद को, मैं खुद को मार डालूंगा। पाठक साहब की दलील बहुत ही दिलचस्प है, मगर इसमें एक छोटी सी दिक्कत है पाठक साहब। अच्छा जनाब, जनाब ये है वो गन और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। अगर अनिकेत ने खुद अपनी जान ली है तो इस रिवॉल्वर पर अंकुश की उंगलियों के निशान कैसे आए, पहली बात। दूसरी बात, अनिकेत की हत्या 3 गोलियों से हुई, पहली 2 गोलियां सीने में और तीसरी गोली जनाब पीठ पर। अगर कोई इंसान खुदकशी करेगा तो अपने आप को ऐसे सामने से गोली मारे या यहां गोली मारे, लेकिन यूं पीछे पीठ में तो नामुमकिन केडी साहब। अनिकेत की हत्या अंकुश के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ इसमें इत्तेफाक रखते हैं मिस्टर मेहरा के मैनेजर गगन कालरा। क्या है रिजवी साहब, आप हाल ही में लखनऊ से पधारे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। हो सकता है इस केस में जो दिख रहा है वो ना हो, और वही हो जो दिख नहीं रहा। अगर आपको अब आपत्ति ना हो तो मैं गगन कालरा जी से चंद प्रश्न पूछना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। श्योर सर। मैं पिछले 9 सालों से ना सिर्फ अंकित सर का असिस्टेंट बल्कि उनका मैनेजर भी हूँ, और उस रात मैं ही उन दोनों भाइयों को घर में अकेला छोड़कर गया था। जब मैं वापस लौटा तो मैंने पैनिक रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि अंकुश ने अपने भाई का खून कर दिया था। आपने सुरक्षा कक्ष का द्वार खोला,
इसका अर्थ ये निकलता है कि सुरक्षा द्वार के आंकड़े जिससे वो द्वार खुलता था वो आपके पास थे? जी, मैंने और अंकित सर ने ही मिलकर वो कमरा बनवाया था, इसलिए मेरे और अंकित सर के अलावा वो कोड किसी और के पास नहीं था। तो इसका ये अर्थ है कि संभावना है गगन जी कि अनिकेत के उस सुरक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले आप प्रवेश कर गए हो और फिर साहब, मैं समझ गया इसके आगे आप क्या कहना चाहते हैं, यही के मान भी लेते हैं कि ऐसा है तो गगन को देखकर अंकुश तो एकदम डर गया होता। अंकुश, अंकुश, ये जो सामने सामने साहब खड़े, इनको पहचानते हो? हाँ, इनको गगी अंकल। जनाब, गगी अंकल तो गगी अंकल ने ही तुम्हारे भाई को मारा है। तुम्हारे भाई का खून ही नहीं गग्गी अंकल ने किया है? कोई बात नहीं जनाब, वो होता रहता है। लेकिन योर ऑनर, इसके गुस्से से ये साफ जाहिर हो गया कि गग्गी अंकल ने अनिकेत को नहीं मारा। देखिए रिजवी साहब, ऐसा तो कुछ जाहिर नहीं होता। जो जाहिर करना है मैं जाहिर करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप जाहिर होने देंगे तो मैं जाहिर करूं। आप बैठ जनाब। तो गगन, जब सवेरे तुम वहां बंगले पर पहुंचे तो क्या वो मुख्य द्वार बंगले का खुला था, बंद था, कोई था द्वारपाल वहां, नहीं था, क्या क्या था? जी, गेट बंद था और जब मैंने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया तो गेटकीपर धर्मपाल ने गेट खोला था। हॉर्न बजाने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? धर्मपाल वहां था ना, उसने देखा नहीं आपकी गाड़ी को आते हो? वो सो रहा था सर। सुरक्षा कर्मी सो रहा था। एक 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 बात बताइए, रात के 3 बजे मेरी जानकारी के अनुसार वो जो सुरक्षा यंत्र लगे हुए थे अनिकेत जी के घर में, संभवतः किसी के घर में घुसने के कारण सुरक्षा अलार्म जो है वो बज उठा था और जिसके कारण अनिकेत अंकुश को लेकर वहाँ सुरक्षा कक्ष में उस लॉकर में चला गया था। क्या सही है ये? आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन पुलिस को वहाँ किसी तीसरे आदमी का कोई सुराग नहीं मिला सिवाय उस टूटे हुए कांच के, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो गया था। बड़ी बड़ी जोर से अधिक ध्वनि में बजा होगा सुरक्षा अलार्म, क्या लगता है आपको? सर, जोर से ही बजा। जोर से बजा होगा। जोर से। तो मेरे पास ये एक यंत्र है जिससे ध्वनि निकलती है बड़ी जोर की, आप बताएंगे कितनी ध्वनि थी? इतनी? शायद इससे थोड़ा ऊंचा था सर। इससे ज्यादा थी? इतनी? इतनी थी क्या ध्वनि? क्या कर रहे हैं कैदी साहब, का पहरा कर देंगे पूरी अदालत को? क्या कह रहे हैं आप, सुनाई नहीं दे रहा। अरे मैं कह रहा हूँ कि इसको बंद कीजिए, पहरा हो जाएंगे आप। बंद करो इसे। हाँ। ये लीजिए, बंद हो गया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है रिजवी साहब की इतनी तेज ध्वनि जो कह रहे थे आप, इसके कारण आप बहरे हो जाएंगे। जी जी। तो ऐसी तेज ध्वनि सुनकर वहाँ के सुरक्षा कर्मी धर्मपाल जागे क्यों नहीं नींद से? योर ऑनर, मैं धर्मपाल जी को कटघरे में बुलाकर यही पूछना चाहूंगा। अनुमति है। धर्मपाल जी, घोड़े बेच कर सोना तो सुना था, तो पूरे का पूरा तबेला बेच कर सो रहे थे उस दिन? जी साहब, वैसे तो हमारी नींद कच्ची होती है साहब, पर पता नहीं उस दिन कैसे हम इतनी गहरी नींद में सो गए साहब कि इतनी जोर का अलार्म बजा फिर भी हम जग नहीं सके साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुना और सुनकर अनसुना कर दिया? ऐसा नहीं था साहब। ऐसा नहीं तो कैसा? क्योंकि इतनी जोर से अलार्म बजा आप सुन नहीं पाए, आप उठे नहीं, और जब गगन जी आए उन्होंने गाड़ी का हॉर्न बजाया और आप तुरंत उठ गए। क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने सुना होता केडी तो साहब, आपको पता ही होगा कि नींद 5 स्टेजेस की होती है और सबसे गहरी नींद होती है जनाब बीच रात की।
तो हो सकता है कि इसको बीच रात में बहुत गहरी नींद आई हो और उसके बाद सुबह होते होते नींद कच्ची हो गई और ये उठ गया। योर ऑनर, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो मैं इस अदालत में चलाना चाहता हूँ। अनुमति है। रिकॉर्डिंग पे समय नजर आ रहा है। योर ऑनर, रात के उसी समय जिस समय गहरी नींद में होता है व्यक्ति, उसी समय हॉर्न बजने पर धर्मपाल जी तुरंत जाग गए, किंतु हत्या की रात को जब सुरक्षा अलार्म बजा था उस रात को नहीं जाग पाए थे आप। क्या कारण है इसके पीछे धर्मपाल जी? बोलो, काफी गहरी नींद में थे आप। माफी चाहता हूं, चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मैं एक बार फिर देखो इस बार चौकन्ने हो गए। हाँ, और उस रात भी यही हुआ था पाठक साहब। कत्ल वाली रात गहरी नींद और उसके बाद एक्स्ट्रा चौकन्ना होना, यानी छोटी सी आठ से भी उठ गए। हम कसम खा के कहते हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया। उस दिन पता नहीं हम कैसे इतनी बेहोशी की नींद में सो गए साहब कि हम जग नहीं सके साहब। दूसरे दिन अगली सुबह भी सर, हम पुलिस स्टेशन से जब घर पर लौटे थे ना साहब, तो पूरे 6 घंटे सोए थे साहब। आज तक हम इतना नहीं सोए साहब। बेहोशी की नींद से क्या अर्थ है आपका? किसी ने बेहोश कर दिया था आपको? होश तो आप खो रहे हैं केडी साहब, जो मुद्दे से बहक रहे हैं। अरे मान क्यों नहीं लेते कि अनिकेत का कातिल है उसका भाई अंकुश मेहरा। अंकुश, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भैया की हत्या किसने की? किसने मारा तुम्हारे भैया को? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि उस रात कोई व्यक्ति, कोई ऐसा था वहां पर सुरक्षा कक्ष में जो आज यहां पर भी हो? देखो, कोई यहां है जो वहां पर भी था? Order, order, silence in the court, please. सुनैना वहां थी उस रात को तुम्हारे भैया की हत्या सुनैना ने की है? फोन, सुनैना का फोन चाहिए तुम्हें? चाहिए तुम्हें गन? चोर पुलिस। खेड़ी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मुल्जिम के हाथ में पिस्तौल दे रहे हैं। रिजवी साहब, आप भी जानते हैं कि इसमें गोलियां नहीं है। प्लीज मिस्टर पाठक, आई होप इससे आपके केस का कोई संबंध है। जी योर ऑनर, बताता हूँ। ये लो। योरोनर, आपने अभी अभी देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिक आयु 2 साल की हो, जो एक फोन भी ठीक से नहीं पकड़ता, अब ऐसा व्यक्ति हाथ में पिस्तौल पकड़ के निशाना साध कर 3 गोलियां कैसे चला सकता है योरोनर? यही कारण कि मैंने ये केस लिया। यह अदालत लंच ब्रेक के बाद फिर से जारी होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच।
राठौर, मुझे एक गन चाहिए। रिसवी साहब, मान लिया केडी पाठक से मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसका मतलब आप उसे शूट कर दोगे? अरे केडी पाठक के लिए नहीं, मुझे एक खाली गन चाहिए, और वो भी लंच खत्म होने से पहले, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ इस अदालत में केडी पाठक मुझे वो करने नहीं देगा। समझ गए? चल। सर, ये गन राठौर साहब ने आपको भिजवाई है। अच्छा, शुक्रिया। थैंक यू। अंकुश बेटा, कैसे हो? सुनो, इसे जरा कमरे में ले आओ, थोड़ी देर का काम है। काम है तो जल्दी से हो जाएगा। आ जाओ। आइए आइए अंकुश, तशरीफ लाइए। ये दरवाजा बंद करो। हाँ, अच्छी तरह से। अंकुश हमारा कुर्सी पे बैठा है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अभी पता चल जाएगा कि तुम गोली चला सकते हो या नहीं। ये मुझे दो। अरे इतना अच्छा खिलौना मैं दे रहा हूँ, देखो ये गन, हटाओ इसको। हाँ, मालूम है इसको कैसे चलाते? अच्छा है, ये फोन लो और इस सब की रिकॉर्डिंग करो। हाँ, तुम गवाह हो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, जाओ। हाँ, ना अपनी तरफ नहीं, इसे मेरी तरफ था ना? ऐसे, हाँ ऐसे 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 रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ। जी सर। ओके। बहुत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उठा लेते हैं। ने कहा था भरी हुई गंदे के आने के लिए। सर, आपने कहा था खाली एक गन। सर, मैंने कहा था खाली गन, एम्प्टी। क्या हुआ, क्या बात है? यार ये बेवकूफ पीपी को भरी हुई गंदे आया। क्यों? ना ना ना, ऐसे नहीं, मेरी तरफ पॉइंट करो। हाँ, कैसे खेलते थे? हैंड्स अप हो गया है ना। अब देखो इसको, ये उंगली यहाँ पर, रिकॉर्ड पर, और मेरी तरफ फायर करो। चलो, कम ऑन, शूट करो, शूट, शूट! क्या कर रहे हो तुम? ये गन लोडेड थी? By mistake. केडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Anyway, thank you so much केडी साहब। आपका ये केस केडी साहब, ये समझ लीजिए क्लोज्ड। जनाब, हकीकत आपके सामने। केडी साहब, अब आप क्या कहेंगे? आपका कहना था ना कि अंकुश गोली नहीं चला सकता, मगर आपने खुद देखा कि इसने मुझ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन गोलियां चलाई। तो बच गया, पर इसका भाई अनिकेत मारा गया। जनाब, अनिकेत का कातिल है उसका भाई। अंकुश उकसाया था आपने। योर ऑनर, रिजवी साहब ने अंकुश को उकसाया था इन पर गोली चलाने के लिए, लेकिन अनिकेत बड़ा ऐसा। मैं कुछ कहूं, आपका मुद्दा था कि अंकुश मेहरा गोली नहीं चला सकता है, गन हैंडल नहीं कर सकता है, पर इस वीडियो ने तो उसे साफ झुठला दिया है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अंकुश मेहरा गन हैंडल कर सकता है। अभी उसने खुद से किया या किसी के कहने पर, ये तो अलग बात है, पर इस अदालत को यकीन हो गया है कि ये गोली अंकुश मेहरा ने ही अपने भाई पर चलाई है। मैं समझ गई हूँ कि आप क्या साबित करना चाहते थे। यही कि उस रात को किसी ने सिक्योरिटी गार्ड धर्मपाल को नशा देकर बेहोश कर दिया, और फिर घर में घुसकर सीधा पैनिक रूम में चला गया और अनिकेत की जान ले ली। Am I right, sir? हाँ, लेकिन चाहने में और करने में बहुत अंतर होता है सुनैना। ये बात अदालत में प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य चाहिए, साक्षी चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। ये शायद तुम्हारे लंबे बालों को देखकर। सर, लेकिन उसने मेरे खुले बालों को देखकर ऐसे कभी रिएक्ट नहीं किया। मिट्टी कहाँ से?
मिट्टी कैसे लग सकती है सर? जिस रात को अनिकेत की मौत हुई उसी शाम को मैंने अंकुश को गिफ्ट किया था और अंकुश इसे लेकर घर से बाहर भी नहीं गया है। रात भर ही अंकुश के साथ पैनिक रूम में था, फिर मिट्टी कैसे लग गई? लंबे बालों को देखकर ये डर रहा है, हो सकता है उसके अनिकेत की हत्या किसी महिला ने की हो, और ये टेडी अगर मिट्टी तक नहीं गया तो इस पर मिट्टी कैसे आई? और ये टेडी अगर उस सुरक्षा कक्ष में इसके हाथों में थी, यानी कि कोई हुआ अनिकेत, मुझे भी सुनकर बहुत दुख हुआ, पर होनी को कौन टाल सकता है? अगर मुझे अपनी फिल्म में लेता तो ये सब होता ही नहीं। रमन, इस बार तुझे सॉलिड काम दे रहा हूँ। तू जा अनिकेत मेरा के घर, उसके घर के अंदर एक सुरक्षा कक्ष है, उसकी छानबीन करके मुझे बता। चल। मैं कमिन सर। कमिन। आइए बैठिए। जरा एक एसएमएस कर दूँगा ना। थैंक यू। सर मेरा नाम अखिलेश चौपे है। मैं दैनिक समाचार न्यूज मैगजीन का क्राइम जर्नलिस्ट हूँ। सर मैं अनिकेत मेहरा मर्डर केस के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप अपना 5 मिनट मुझे। हाँ है ना, पूछिए। सर सारी दुनिया का ये मानना है कि अनिकेत मेहरा का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उनके सगे भाई अंकुश ने किया है, लेकिन आप एज यूजुअल हमेशा डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं। क्या लगता है आपको, किसने मर्डर किया होगा? यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस? कोई सबूत है आपके पास, कोई क्लू या कुछ? हाँ है, एविडेंस भी है, क्लूज भी है, लेकिन आपको इन सब के बारे में बताना मैं अनुचित समझता हूँ। अनुचित? हाँ अनुचित। वैसे ये बताइए यार चौबे साहब कि आपको इस केस में इतनी जिज्ञासा क्यों है? जिज्ञासा मेरी एक पड़ोसन है, उसका नाम है जिज्ञासा। आप कहाँ के हैं? बिहार। बिहार के हैं आप? कहाँ बिहार में? बिहार पटना। पटना 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 में कहाँ? पटना वो रेलवे स्टेशन के पास में वो कॉलोनी है। कॉलोनी? हाँ हाँ वो इटारसी में। यस यस एग्जैक्टली, हाँ वहीं वहीं वहीं। इटारसी तो मध्य प्रदेश में है मेरे भाई, बिहार में नहीं। वैसे आप भी कहीं और के ही हैं, बिहार के नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपने कहा कि आप हिंदी पत्रकार है किंतु हिंदी भाषा का ज्ञान तो है नहीं आपको, और ये आपका विजिटिंग कार्ड ये तो 2 दिन पहले ही छपाया आपने, इसमें अभी भी ताजे इंक की बू आ रही है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।